बाहर आ चुके हो तो भगवद गीता को खोल ले। भगवद गीता में तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के बारे में जान रहे हैं। सत्व से प्रकाश आता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, और सत्व से सुख के प्रति और ज्ञान के प्रति अटैचमेंट आता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट। रजोगुण से राग आता है, तृष्णा आती है, लालसा, डिजायर डिजायर फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। तमोगुण अज्ञान से अंधकार से आता है और उससे प्रमाद, आलस्य और निद्रा जुड़ी है। गुणों के कारण देही को लगने लग जाता है कि वो देह है। हायर अपने हम अपने रियल स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने लोअर नेचर से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। तीनों गुणों के प्रति हम साक्षी भाव रखना सीखे। जब सभी इंद्रियों के द्वार से प्रकाश उत्पन्न हो, जब हमारी सभी इंद्रियां अपना अपना काम करें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजों में ना जाए, तो वो ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान का स्वरूप, सत्व गुण का परिचायक। आया है बात कि जब सत्व गुण की वृद्धि हो और उस समय अगर शरीर का प्रलय हो, उत्तम लोकों में जाते हैं। जब रजोगुण में प्रलय हो, मृत्यु हो, तो कर्मों के प्रति आसक्ति वाले लोक में और परिवार में जाते हैं, और जब तमगुण में प्रलीन हो, परे शरीर छोड़े, मूढ़ योनि में, मूढ़ परिवार में, बेहोश माता पिता के संतान बनते हैं। जो जैसे भाव में अंतकाल में शरीर छोड़ता है, वैसे ही उसके आगे की गति होती है। आठवें अध्याय में आया था, जो मुझे स्मरण करते हुए अंतकाल में मुक्त होता है, वो मुझ तक चला आता है। अंतकाल में स्मरण हो, उसके लिए लाइफ लॉन्ग अभ्यास, साधना, स्मरण करना चाहिए। लेकिन हमारी जो वास्तविकता है, उसको कबीर ने कहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख होता है तब हम याद करते हैं अध्यात्म। अगर धार्मिक है, अगर धूप बत्ती दिखाने वाले हैं फोटो के सामने, भगवान को याद करते हैं। अगर मेडिटेशन वाले हैं तो मेडिटेशन को याद करते हैं, लेकिन दुख में याद। अगर हर क्षण याद करें तो जीवन में दुख आएगा ही नहीं। जब दुख वाली परिस्थिति होगी तो वहां पर समझ होगी कि यहाँ पर मुझे सीखना क्या है, मुझे करना क्या है, इस जगह पर मेरा धर्म क्या है, मेरा रोल क्या है, इस प्रवर्तित सृष्टि चक्र में मेरा रोल क्या है। अगर रोल की समझ हो तो सफरिंग सफरिंग नहीं लगती, वो अपॉर्चुनिटी है अपना कर्म करने का, अपनी चीजों को सीखने का। अगर बेहोश हो तो फिर हमको लगता है कि भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहा है, अपने रोल का समझ में तब नहीं आता। हम इंद्रियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, इंद्रियों में रमण करने लगते हैं और जीवन फिर व्यर्थ हो जाता है।
किन कालों में किस भाव में शरीर छूटते हैं, उस तरह से आगे की गति होती है। इसको देखते हुए बात आई ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व में जो स्थित है वो ऊर्ध्व यानी कि ऊपर ऊपर ग्रो करते हैं, ऊपर जाते हैं। अगर रजोगुण में है तो भले लगता है कि ढेर सारा मेहनत कर रहे हैं, खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो मध्य में ही रहते हैं, जहां थे वहीं रहते, वहीं आगे नहीं बढ़ते। लग रहा हो कि घूम रहे हो, लेकिन अगर एक ही बिंदु के चक्कर से काट रहे हो तो सर्कल में है, आप कहीं नहीं जा रहे। रात में गाड़ी आती है, कुत्ते दौड़ते भौंकते हुए, लगता है वो दौड़ रहे, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, बस वहीं का वहीं है। रजोगुण जो है वो लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ मिल बटे सन्नाटा है। जब सत्व में है तभी ऊपर जाते हैं, पर तमोगुण में है तब तो और नीचे चले जाते हैं। सांप सीढ़ी के खेल में काट लिया सांप ने तो नीचे चले जाते, वो है तमोगुण। तमोगुण ने आपको काट लिया, आप नीचे चले जाएंगे। सीओ कहा है अधो, अधो मतलब नीचे, अधो गच्छन्ति नीचे चले जाते हैं। ये सब हमने देखा है, आप आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक पे। 19 नंबर का श्लोक आज हम देखेंगे, यह एक महत्वपूर्ण श्लोक है। अपने श्लोक में गीता में इसको हाईलाइट करके रखिए, स्टार मार्क लगा के, कॉपी पेन है तो इस श्लोक को धीरे से लिख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कोई पढ़े इस श्लोक को। पहले पढ़ते हुए हम शब्दों पर फोकस रखें, हम गीता की कमेंट्री ना पढ़े, हम गीता पढ़ें। लोग गीता की कमेंट्री को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो गीता पढ़ रहा हूं। आप गीता की टीका को पढ़कर गीता पढ़ना ना बोले, गीता को पढ़े, संस्कृत को पढ़े, संस्कृत पर चिंतन मनन करें, ओरिजिनल मीनिंग पर जाएं। जब ओरिजिनल मीनिंग अपने हिसाब से जितना आपको समझ में आ गया, फिर आप कमेंट्री वाला भी पार्ट पढ़ लें। और यहाँ पर हम दो कमेंट्री पढ़ते हैं, एक है स्वामी राम इंग्लिश में और दूसरी है हिंदी में स्वामी शिवानंद। इन दो के अलावा बाकी आप अभी ना पढ़ें, जब आपके जीवन में एक समझ आ जाती है तब पढ़ें तो कोई नुकसान नहीं है। अभी पढ़ेंगे गलत कंसेप्ट बैठ जाएगा, गलत कंसेप्ट बैठ जाए तो हटाने में ज्यादा मेहनत लगती है। आपको याद होगा एक कहानी में कहता हूँ, एक संगीत का स्टूडेंट सीखने गया संगीत, पूछा क्या तुमने संगीत सीखा है? हाँ गुरु जी मैंने 6 साल संगीत सीखा है। ठीक है आ जाओ, कितना फी है? 3,000 रुपये भाई। ठीक है सीखने लग गया, वो सीख रहा था, अगले दिन दूसरा स्टूडेंट आया, संगीत सीखा है? नहीं गुरु जी अभी मैंने कहीं नहीं सीखा है। ठीक है आ जाओ, तुम्हारे लगेगा फी 1,000 रुपये भाई। अरे मेरे से ज्यादा चार्ज क्यों क्या कर रहे हैं गुरु जी, ये तो बड़ा अन्याय है, भेदभाव करते हैं क्या? उनके गाँव का है स्टूडेंट, उनका ये जो स्टूडेंट आया है पता करें, वो तो है नहीं इनका कुछ गांव का, क्या हुआ? तो तुमने जो गलत सलत सीख लिया है उसको तो भुलाना पड़ेगा ना, गलत सलत सीख ले तो फिर आपको भगवत गीता ज्यादा मुश्किल लगती है। अगर आपने पहले सुन रखा है भगवत गीता मुश्किल है तो ये सब गलत सलत सुन रखा है, भगवत गीता मुश्किल नहीं है। ज्यादा मुश्किल तो है अपने जीवन में ध्यान के लिए नियम लाना, डिसिप्लिन लाना। अगर आपके जीवन में ध्यान के लिए डिसिप्लिन आ गया तो फिर क्या मुश्किल है, बहुत आसानी से समझ में आता है। अभी देखते हैं हम, पढ़िए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर पढ़े? हाँ। गुणान एतान अनित्य त्रिदेहि देव समुधान जन्म मृत्यु जरा दुख है
मुक्त अनु अनु अस्मित। 19 नंबर पढ़ना है, इससे पहले वाला 20 नंबर जी। नान्य गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्ट अनुपश्यति गुणेभ्य च परं वेति मध्यावं च अधिगच्छति। संधि विच्छेद वाला न अन्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्ट अनुपश्यति गुणेभ्य च परं वेति मत्भावं स अधिगच्छति। गुणेभ्य कर्तारम, जो गुण है कौन से गुण, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, ये तीन गुण है, ये गुण ही करता है, ये गुणों के भाव के कारण ही करने की कार्य करने की कर्म करने की प्रवृत्ति आती है और कर्म होता है। एक्शन एक्शन आर ड्यू टू गुनास। तो गुणों को करता देखना, गुणों के अतिरिक्त और कोई अन्य कर्ता नहीं है। ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, सबसे मुख्य दो शब्द ये है गुणेभ्य कर्तारम, गुण करता है। गुणों के अतिरिक्त ना अन्यम, गुणों के अतिरिक्त और किसी को कर्ता मत देखो, नहीं देखना। जो दृष्टा ऐसा देखता है, अब ये सांख्य अब का प्रभाव अभी भी चल रहा है, पुरुष और प्रकृति, पुरुष जो है वो दृष्टा है, द कॉन्शसनेस, यू आर कॉन्शसनेस, यू आर दृष्टा। तो दृष्टा जो है जब गुणों को कर्ता की तरह, गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता की तरह नहीं देखता है, तब गुणों से परे गुण जो है वो कहाँ है, गुण है हमारे मन में, मनोमय कोशा में। तब गुणों से परे जो मेरा परम भाव है, नॉन फिजिकल परम कॉन्शसनेस, उसमें वो आ जाता है। मत भावम सह अधिगच्छति, मेरे भाव में सह वह, सह मतलब वो कौन, जो दृष्टा है, जो दृष्टा के रूप में जाग गया। अगर नहीं जागे दृष्टा के रूप में, तो फिर हम अपने आप को समझते हैं कि हम शरीर है, हम अपने आप को समझते हैं कि हम मन है, हम अपने आप को समझते हैं कि हम स्त्री है, पुरुष है, जैसे पुरुष वर्ड सांख्य में भी पुरुष आ रहा है, मेल और फीमेल, अपने आप को मेल या फीमेल समझना एक अज्ञान है, अपने आप को शरीर समझना एक अज्ञान है, अपने आप को हिंदुस्तानी या महाराष्ट्रीय समझना यह अज्ञान है, यह तो शरीर के तल पे है। वास्तव बात क्या है, दृष्टापन कौन से तल पे, आत्मा के तल पे, पुरुष के तल पे। जो कोश है, सभी कोश टेम्पररी है, यहां तक कि आनंदमय कोश, आनंद भी टेम्पररी है, कोश जो बना है तो मिटेगा। हाँ, हम अपने मन के दुखों में दुख होते हैं, तो उससे तो बेहतर है कि हम आनंद के कोश में जाएं, लेकिन आनंद भी छूट जाता है जब आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान में बस है ना, तो अच्छा है ना बुरा है, बस है, जस्ट इट इज। तो दृष्टापन का भाव हमारे जीवन में आना चाहिए, ये दृष्टापन का भाव आ जाए, यही अध्यात्म का मुख्य सार है। ओशो ने सो कहा साक्षी भाव, जीवन में साक्षी भाव आ जाए। थोड़े नए शब्द प्रयोग किए,
पुराने शब्द हम सुनते रहे तो हमको लगता है कि हमें तो आता ही है, आता तो है नहीं लेकिन दृष्टा हम बन जाएं। यहां पर किस चीज के दृष्टा बनने की बात हो रही है? गुणों की। जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं आनापानसति तो हम सांसों के प्रति दृष्टा बनते हैं, सांसों के ऊपर दृष्टा बनना शुरुआत है। सांसों के प्रति दृष्टा बनते हुए हम विचारों के प्रति दृष्टा बने, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। आप जितना ज्यादा बोलते हैं, जितना ज्यादा आप व्हाट्सएप पर वीडियो देखते हैं, उतना ज्यादा विचार आएगा। कम बोलना, कम सोचना, कम सुनना। कहीं पर भी कोई ऐसी बात हो रही है जो आपको लगता है कि ये आपके आध्यात्मिक विकास में उपयुक्त नहीं है, चुपचाप वहां से कल्टी ले लें। कल्टी नहीं लेंगे तो आपके मन में कचरा जाएगा और फिर वो कचरा कभी ना कभी घूमेगा और आपको परेशान करेगा। विचारों के प्रति दृष्टा बनना है, फिर विचारों के प्रति दृष्टा बनते हुए भावों के प्रति दृष्टा बनना है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये गुण ही करता है, गुणों के कारण ही करता काम, कर्म करने की, काम करने की भावना आती है। तमोगुण होता है तो आप आराम करते हैं, रजोगुण होता है तो मेहनत करते हैं, सत्वगुण होता है तो दूसरों को हेल्प करते हैं। दूसरों को हेल्प करना, दूसरों का पैसा आप चोरी करें या गवर्नमेंट का पैसा चोरी करें, अगर टैक्स नहीं भर रहे, गवर्नमेंट का पैसा चोरी ही कर रहे, तो आप दूसरों का पैसा चोरी करें तो उससे तो अच्छा है कि आप दें सत्वगुण। लेकिन यह भी बात है कि जब सत्वगुण से भी आगे जाते हैं, जब दृष्टा बन गए तो फिर आप निर्गुण में आने लग गए। वही से वही आता है अगले श्लोक में, पढ़िए। खुशबू जी किन्हीं और को पढ़ने दीजिए। Someone else please। सर मैं पढूं? जी। गुणा नेता नत्यत्य त्रिन देहि देह मत, सॉरी सर, त्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु चरा दुखे विमुक्त तो मृत मृत मृशुत्ते। गुणान एतान अतित्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम श्रृणुते। गुणान एतान अतित्य है, मैं संधि विच्छेद वाला ही एक्सप्लेन करने के लिए यूज करता हूँ, पढ़ने के लिए अच्छा लगे, ग्रामर हम सही ग्रामर में पढ़े, जो उनको संस्कृत से प्यार है वो खुश हो जाए आपके सुनकर, उनके लिए आप पढ़े नॉर्मल वाला। समझने के लिए तो हम संधि विच्छेद वाला ही देखें। गुणान एतान अतित्य, जब गुणों के प्रति दृष्टा बनते हुए, जब गुणों के को आप अतीत कर जाते हैं, गुणों को पार कर जाना, ट्रांसेंडिंग द गुनास। लेकिन ट्रांसेंड करने से पहले क्या चाहिए? आपके भीतर दृष्टा भाव चाहिए। बिना दृष्टा भाव आए ट्रांसेंड करना इज नॉट पॉसिबल। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है साधना के लिए, आपको चिंतन करना चाहिए। आप बिना समझे गुणों के पार नहीं जा सकते, बिना देखे, बिना दृष्टा भाव लाए। बहुत जगह पर बहुत सारे स्पिरिचुअल सिस्टम में यही करते हैं, बस उसको जम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भीतर से जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, जो भी बुराई है जिसके लिए पतंजलि यम और नियम की बात कर रहे हैं, वो रजोगुण है या सत्वगुण है, उससे बाहर निकलने के लिए बस कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तभी सफल हो सकती है जब आप समझे, बिना समझे बदलाव नहीं आ सकता। समझना जरूरी है, दृष्टा भाव आना जरूरी है। दृष्टा भाव आता है जब गुणों से अतीत होते हैं, गुणों के पार जाते हैं, तीनों गुणों के। और ये जो गुण है ये कहां? ये है देह में,
देह से ही उत्पन्न होते हैं, या कहें कि देह जो है ये तीनों गुणों से उत्पन्न होता है। इन तीनों गुणों के जब पार जाते हैं, अतीत्य ट्रांसेंड करते हैं, तो ये जो देही है, देही जन्म मृत्यु जरा ये तीन प्रकार के दुखों से बुद्ध के लिए इनलाइटनमेंट का जो कैटलिस्ट बना, इनलाइटनमेंट को सर्च करने का कैटलिस्ट, तो उनके जीवन यही, जब उन्होंने किसी वृद्ध इंसान को देखा, जब किसी बढ़ते हुए इंसान को देखा, तो उनके जीवन में सवाल आया, क्या मैं भी मरूंगा? बुढ़ापा, जरा और मृत्यु, ये दुख के रूप में तो हम सभी जानते हैं। हॉस्पिटल जल्दी जल्दी आप दौड़ते हुए गए हो लाइफ में कभी, तो क्लियर कट पता है कि हाँ, जो बीमारी है वो दुख है। बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, यह बात हम सभी जानते हैं। लेकिन यह भी जाने कि जन्म भी दुख है। हमारी सोसाइटी जो है वो अजीब है, जन्म होती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, उस आत्मा से पूछिए जो जिससे जन्म ले रही है, और अब तो हिप्नोसिस प्रोसेस में जा सकते हैं, पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, तो गर्भ में भी जाते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग में भी जाते हैं। जो जन्म का प्रोसेस है उसको याद करें, जन्म का प्रोसेस जैसे मृत्यु का प्रोसेस दुख है, वैसे जन्म का प्रोसेस भी दुख है, क्योंकि चेंज ऑफ वर्ल्ड, चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है। परिवर्तन में अगर नहीं है बिगर पिक्चर की अंडरस्टैंडिंग, तो वो दुख है। जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, ये तीन दुख इस जगह पर आए। बीमारी वाला भी एक दुख होता है, जो बुद्ध के लिए स्टिमुलस बना, यहाँ पे खैर नहीं है, आप अपने आप से यहाँ पे पेंसिल से ऐड कर लीजिए। रोग, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु, इन दुखों से विमुक्त हो जाता है, और जब दुखों से मुक्त होगा तो कहां जाएगा? अमृत, अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति होती है। और अमृत मिलेगा तो क्या होगा? अमृत मिलेगा, अमर हो जाएंगे। तो जो आता है अमृत की प्राप्ति हो, ध्यान का, साधना का लक्ष्य है अमृत की प्राप्ति। जब गुणों के अतीत होंगे, गुणों को ट्रांसेंड करेंगे, तो जो आत्मा जो अमर है उसको वापस रिलाइज कर लेंगे, जीवन में अमृत आ जाएगा, अमृत तो आ जाएगा। अगर आप पुराणों की कहानी पढ़ें, तो देवता और असुर जो है वो समुद्र मंथन करते हैं और अमृत का कलश निकलता है, तो उसको वो पीना चाहते हैं। तो कहानी है, कहानी से समझ में बच्चों को जल्दी आ जाता है, इसलिए कहानी का उपयोग किया गया है। अमृत जीवन में कब आता है? जब आप गुणों से अतीत हो जाते हैं। तो ये आपको समुद्र मंथन करने की जरूरत नहीं है, आपको गुणों के प्रति दृष्टा भाव लाते हुए, दृष्टा भाव लाने के लिए आपके भीतर साधना होनी चाहिए। गुणों के प्रति दृष्टा होते हुए ये गुण ही करता है, तो गुणों से परे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? देही में, आत्मा में, आत्मा के प्रति सजग हो जाते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, इन दुखों से मुक्त हो जाते हैं और अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। आफ्टर ट्रांसेंडिंग सफरिंग ऑफ बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ, यू अटेन, यू एंजॉय इमॉर्टलिटी।
जब अमृत को प्राप्त कर लेते तो ये एंजॉयमेंट, कुमारी में डूबना अमृत तो नहीं है, अमृत तो जो है वो तो एंजॉयमेंट जो है वो तो अमृत को प्राप्त कर लेता है। जब तक अमृत के एंजॉयमेंट को नहीं जाना तब तक हम किसी और चीज को एंजॉयमेंट बोल देते हैं। जब तक असली गाड़ी नहीं मिली, खिलौने वाली गाड़ी को भी हम गाड़ी समझते हैं और उसको खेलते हैं, मेरी गाड़ी, देखो आज मुझे गिफ्ट में गाड़ी मिला, छोटे बच्चे खुश होते हैं वो उनको मिले खिलौना, तो दिस इज एंजॉयमेंट। हमने एंजॉयमेंट को अभी किस चीज से जोड़ रखा है, भजन करते हैं, भजन गाते हैं, बस्ती में झूमते हैं, अरे ये एंजॉय कर रहे हैं, ये नशा है, ये प्रमाद है, ये भी प्रमाद है, शब्दों में उलझ जाना। जब तक आपको स्वयं का बोध नहीं है, जब तक आपको बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ का, स्वयं का, आप देह में जीने वाले देही हैं, इसका बोध नहीं है तो कहाँ का एंजॉयमेंट, अमृतत्व का, अनंतता का, मल्टीडायमेंशनल एग्जिस्टेंस का, को क्रिएटर कॉन्शसनेस, अहम ब्रह्माष्टमि, अहम ब्रह्मास्मि और अहम ब्रह्माष्टमि, मैं शाश्वत चैतन्य हूं और मैं क्रिएटर हूं, ब्रह्म को, ब्रह्मा को क्रिएटर के रूप में जाना गया है, देखा गया है। जब ब्रह्म को रियलाइज कर लेते हैं तो आपके भीतर क्रिएटर कॉन्शसनेस, पुरुष जो है वो प्रकृति को भोग करता है, प्रकृति के माध्यम से क्रिएट करता है, लेकिन फिर तब वो जो क्रिएशन है तब कर्तापन का भाव नहीं है, तब तो वो वे ऑफ लाइफ है। कर्तापन का भाव, मैं कर रहा हूं, ये तो गुणों से आता है, तो गुणों को कर्ता की तरह देखें, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और इन तीनों में भी मुख्य तो रजोगुण कर्तापन अपने आप को समझता है। सत्वगुण में कभी कभी याद आती है कि हाँ मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो माध्यम हूं, लेकिन कभी कभी आती है, कभी आती है कभी छूट जाती है। सत्वगुण में याद कभी रहता है, अगर भगवत गीता सेशन चल रहा हो तब तो याद रहता है, लेकिन बाद में जब काम कर रहे हो तो भूल जाते हैं। सत्वगुण में आते हैं और जाते हैं, लेकिन जब वास्तव में जाग गए दृष्टा के रूप में तो गुणों से परे मैं दृष्टा हूं, भगवान फिर कह रहे हैं कि वो मेरे भाव में आ जाता है, मेरे भाव में उतर जाता है। क्षति ब्रह्म भाव में आने के लिए पहले ब्रह्म को आपको जानना जरूरी है, और ब्रह्म को जानने के लिए पहले गुणों को जानना जरूरी है। ट्रांसेंडेंटल को आप रियलाइज करें, किसको ट्रांसेंड करना है वो तो रियलाइज करें कि मेरे भीतर अभी क्या है, मेरे भीतर अभी गुस्सा है, कि मेरे भीतर अभी डर है, कि मेरे भीतर अभी अहंकार है। बाईपास करके ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, बहुत जगह पे जानने की कोशिश की जा रही है, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल। पहले कहाँ हम हैं, हम पहले वो जाने। आपको दिल्ली जाना है, जो लोग दिल्ली से नहीं है, दिल्ली वाले सीपी कर ले, आपको दिल्ली जाना है, आप कहाँ पर हैं पहले वो तो आप रियलाइज करें, पता ही नहीं है कहाँ है, आप दिल्ली के लिए कैसे चले स्टार्ट करेंगे, सीपी के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, जो दिल्ली वाले हो, यहाँ पे दिल्ली वाले हैं क्या, है ही। सिर्फ लक्ष्य बना लेने से काफी नहीं है, लक्ष्य बनाने से पहले तो पता हो कि आप कहाँ पर, तो जानना समझना जरूरी है, अनिवार्य है।
यही 19 और 20 इन दो श्लोकों में कहा गया है। यह दोनों महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जिस श्लोक का स्लाइड बना हुआ है मोस्टली वो महत्वपूर्ण श्लोक है, बाकी मैं सिर्फ श्लोक खोल के मैंने मीनिंग बता दिया, ठीक है उसको थोड़ा सा समझ लें। और YouTube बंद किया जा रहा है, जो मित्र YouTube पे देख रहे हैं अगर आपको और डिस्कशन सुनना है, मुख्य बात वैसे हो गई है, तो Zoom पर आ सकते हैं।